Pero चेरू का सो गुटे अच्छा चिरी चिरी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आप सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग जी। ये है मुनगेक फल्या, कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा। और ये है वो पत्ता, मुनगेक पत्ता, ड्रमस्टिक्स का लीव्स, ड्रमस्टिक्स दोनों हैं। ये मैं कहाँ से तोड़ी आपको बताती हूँ। ये पीछे की तरफ ना हमने झाड़ लगाया हुआ है, मैंने नहीं, हमारे वॉचमैन ने लगाया था। तो ये देखिए, यहाँ पे बकरियाँ सारी चर रही हैं, ठंडा है मौसम, तो बकरियों को यहाँ पे छोड़ के वो भी ना थोड़ी देर बैठ गए हैं। और ये रहा वो झाड़ जो मैंने फलियाँ तोड़ी हैं और इसका पत्ता भी तोड़ा है। इसकी ना भाजी बनती है दाल के साथ, चाकने के लिए तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो साथ साथ जी, इसके बाद मैंने दोपहर का पकाया, खाया पिया। उसके बाद दोपहर में मैं और अम्मी डी मार्ट चले गए थे। काफ़ी दिन हो गए, लगभग 2 से 3 महीने, 2 महीने हो गए शायद डी मार्ट नहीं गए थे। रमज़ान से पहले कभी गई थी, तो अभी रमज़ान के बाद ना सारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई, तो ग्रोसरी लेने आ गई हूँ। थोड़ी बहुत यहाँ से भी ली थी, थोड़ी बहुत मैंने आगे दिन रिलायंस से भी ले ली थी। और ये थे जी बिस्किट्स, मैं ओरियो समझ के दूसरे बिस्किट्स डाल लिए थे, तो वही निकाल के मैं अभी वो ओरियो डाल रही हूँ। ये ना मेरे बेटे के लिए है, वो दूध में डुबो के खाता है। और यहाँ से ही शक्कर ले ली हमने। और घर पे चल के जी आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया है मैंने ग्रोसरी में करके। और इस तरह मैंने सारा डाल लिया। आते टाइम रास्ते में यहाँ पे भाजी बेच रहे थे, तो भाजी लेने के लिए रुक गए। जो साथ साथ ही यही इस तरफ ना ये लिरका गाड़ी खड़ी थी नारियल पानी, तो वो भी पी लिया हमने, मैंने अम्मी ने नारियल पानी पिया। और साथ साथ आते आते यहाँ से गांधी बाज़ार से फूल भी ख़रीद लिए। आजकल तो सीज़न है ना जी कलियों का, तो फूल भी ख़रीद लिए। ये है जी सिटी हमाली यूनियंस का, ये गांधी बाज़ार के पास ही है ये, वहीं पर। और जी आते आते शाम हो गई थी, तो ये रहा मेरा शेरू, अच्छे से सो के उठ गया है। शेरू और शीरी जप रहे थे मेरे लिए, स्नैक का टाइम हो गया ना इनका, इसलिए कभी फ़ोन इतने नज़दीक से नहीं देखा ना, तो उसको टच कर रहा था वो। और उसके बाद इनको स्नैक्स खिलाया। उसके बाद बारी आई जी हमारी स्नैक्स की, तो बेटी ने फरमाइश की फ्रेंच फ्राइज, तो वही मैंने फ्राई किया है। ये सादे वाले फ्रेंच फ्राइज हैं, तो मसाला मैंने रिलायंस से आगे दिन लाया था, वो रेडीमेड मसाला, तो वही। इस पर देखिए जी, यहाँ पे भाजी भी है, ग्रोसरी भी है। वो मसाला है जी, ये पेरी पेरी मसाला करके था, इतना अच्छा नहीं था जितना पैकेट्स में आता है ना, पैकिंग होकर रेडीमेड में उसमें। और ये मैं ग्रोसरी दिखाने लगी थी, तो बेटा आ गया कि मैं निकालता हूँ करके। और ये है चॉपिंग बोर्ड मेरा, पहले भी मैंने डीमार्ट से लिया था, वो थोड़ा मोटा वाला था, वो भी 299 समथिंग था। और ये थोड़ा पतला है, ये भी 300 का पड़ा है, ये भी सेम वही रेट है मगर थोड़ा सा पतला है। और ये है सर्फ, कंफर्ट, बच्चों के लिए बिस्किट्स, डार्क फैंसिटी, ओरियो करके इस तरह से। और 2 पैकेट्स लिए थे ओरियो के। ओ ये है जी कलर नेचुरल ब्लैक हेयर कलर, और साथ ही मैंने साबुन फियोमा के लिए थे। और ये है जी रूम फ्रेशनर, इसकी काफ़ी बहुत स्मेल ना इसकी बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छी रहती है, मगर इसके स्मेल ना बस थोड़ी ही देर रहती है, 10 से 15 मिनट ही रहती है। कितना भी आप रूम बंद करके रख लो, क्या भी कर लो, 10-15 मिनट ही रहती है, मगर स्मेल इसकी बहुत ही अच्छी रहती है।
और साथ ही मैंने ले लिया मिस्टर मसल जो मेरा किचन क्लीनर है, और ये साथ में लाई हूँ जी स्वस्तिक का अचार, घर में ख़त्म हुआ था तो वो ले लिया है। और ये देखो यहाँ पे मैंने शक्कर भी ले ली थी, 5 किलो ली है शक्कर। और साथ ही ये एक स्टैंड था 140 का था, अच्छा लगा तो ले लिया है। देखते हैं कहाँ पे रखूँगी करके, अभी फिक्स तो नहीं है, यहाँ रखना है करके ले लिया है, बट रखेंगे कहीं पे। और साथ ही ये ले लिया जी चॉपर, मेरे पास था जो चॉपर वो टूट गया है तो इसलिए ये भी एक चॉपर ले लिया है, ये भी 200 का है। और एक वाटर बॉटल ले लिया है, लिया तो बेटी के लिए था मगर घर पे आने के बाद बेटे ने ले लिया, अब दूसरा भी लाना पड़ेगा बेटी के लिए। और ये एयर फ्रेशनर मैंने 2 ले लिए थे, तो वो थैले में ना जी रिलायंस की ग्रोसरी थी तो अभी निकाल लिए हैं मैंने, वो भी आपको बता देती हूँ। ये है जी शक्कर जो हमें ये थोड़ी बहुत ग्रोसरी लेने के लिए फ्री आई थी, 1 किलो शक्कर। इसमें है जी ये मिक्सर होता ना, हैंड मिक्सर छोटा सा वो, और बैलून मिक्सर, और एक चम्मच, डिज़ाइन इसका अच्छा लगा तो ले लिया मैंने 1 चम्मच। साथ ही साथ पेस्ट छोटे छोटे वाले मैंने 4 ले लिए हैं, जैसे कि 4 बाथरूम है तो 4 जगह के लिए ले लिए हैं। और ये है जी कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी है ये, काफ़ी दिनों से देख रही थी फिल्टर कॉफ़ी, चलिए ट्राई करते हैं करके ले लिया है मैं, देखते हैं कैसी बनती है। और ये है जी आप लोग हमेशा देखते हैं कोकोनट किसा हुआ, मुझे इमरजेंसी में काम आता है हर हमेशा, तो ये वो है। और साथ ही ले लिया था ये भी था जी पिज़्ज़ा सीजनिंग था इसमें, और जैसे आपने अभी देखा पेरी पेरी मसाला वो वैसे ही ये सीजनिंग था पिज़्ज़ा का। और साथ ही मैगी है, और साल्ट के पैकेट्स 3 हैं, और एक मसाला भी था जी कुछ लिया था, अभी दिखाती हूँ, याद नहीं आ रहा है नाम, मैजिक मसाला जी, मैगी मैजिक मसाला लिया था। साथ साथ ये ले लिए हैं फुटाने खारे गोले, खाने वाले स्नैक्स वाले खारे गोले, तो नमक के साथ आते हैं ना वो ये, मगर इसमें नमक हो रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता। और साथ ही ये ले लिया है जी लेमन लिप्टन की ग्रीन टी ले ली है, लेमन और हनी वाली। और ग्रोसरी सारी सेट कर दीजिए, उसके बाद आ गया डिनर का, रात के खाने का टाइम हो गया था, तो खाने में ना दोपहर के बनाई हुए दाल चावल थे, तो साथ साथ इन्होंने ना चिकन ले लेके आए थे रात को, एक था जी फ्राई चिकन का कबाब, और एक था जी ग्रिल चिकन, वो भी कबाबी है मगर इस तरह से है ग्रिल किया हुआ, बहुत ही अच्छा था। और जी आज का वीडियो यहीं तक था, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी नया देख रहा है मेरे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अल्लाह हाफिज़ जी।